हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेस्ट रियलमी के कौन से कानों में सुनने वाले हमारे एयरफोन्स आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है बड्स एयर नियो, जो कि अभी लेटेस्ट आए हैं 3000 रुपये के मेहंदी कलर के अंदर। वैसे पता नहीं यार कलर कौन सा मुझे। और उसके बाद आते हैं रियलमी के बड्स एयर जो पहले आए थे, वो वाले मेरे पास मौजूद हैं। सही सर, रियलमी के ये वाले। सारी की टेस्टिंग हो जाएगी, सबको कंपेयर कर लिया जाएगा एप्पल वाले एयरपॉड्स, और चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा वाला बढ़िया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले भाई, ये रियलमी बड्स एयर नहीं होगा, जैसे देख सकते हो डब्बा मिल जाता है सामने मेहंदी कलर, सही सर व्हाइट कलर। मुझे लगता है यार मेहंदी कलर होना चाहिए था, बट मैंने पढ़ा ये व्हाइट कलर है। तो यार निराशा हो गई है गाइस, निराशाजनक चीज़ हो गई है, बट कुछ नहीं कर सकते फटाफट से। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं मतलब दिखने में। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, रियलमी बड्स एयर ये पहले वाले जो थे 4000 वाले, ये हैं 3000 वाले, ये हैं, दोनों में यार सेम सा चीज़ है। चीज़ें थोड़ी बहुत हैं जो डिफरेंस होंगी, जो कि ये थोड़ा मैला है, ऐसे गंदा हो गया है, और ये बिल्कुल नया का नया, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह है। तो दोनों के दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से ही लग रहे हैं दिखने में तो, और दोनों ही वाइट है। अब यार अपने पास तीन आ चुके हैं यहाँ पे, और तीनों में से पता नहीं तुम लोग पहचान पाओगे नहीं पहचान पाओगे, लेकिन जो बीच वाला है वो एयरपॉड्स का डिब्बी है। डिब्बियाँ हमारे पास तीन आ गई हैं, और डिब्बियों से देख के आप लोग लग सकता है, प्रतीत हो सकता है कि आज जो है साउंड के बारे में सारी वातावरण सारी प्रक्रिया में पता चल जाएगी। सो गाइस, कान में जो फिट है ना यार इनकी, बिल्कुल वैसी है जैसे पहले वाले थे रियलमी के बड्स एयर वाले, और ये जो नियो है बिल्कुल सेम फिट वैसी दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लाइक मेरे को तो भाई पसंद है। अब मुझे पता है भाई, तुम में से आज साथ लोग भाई ये क्यों लेते हैं, सब ने क्यों लिए थे, क्योंकि एप्पल वाले तुम्हें जिम में पहन के जाना है, तुम्हारे को अपनी सहेलियों को इम्प्रेस करना है कि हमारे पास एप्पल वाले हैं। लेकिन अंदर का राज तुम्हें पता है क्या है, आवाज़ से हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें चाहिए डिज़ाइन। तो रियलमी ने सोचा डिज़ाइन बिल्कुल सेम बनाएंगे एप्पल जैसा, ताकि बंदे खुश हो जाए, और हम लोग खुश हो गए। वैसे यार सच बताऊँ तो जो फील है ना, काफ़ी ज़्यादा स्नग फील आ रही है। एंड अगर आप इस पे अगर आप टैप टू होल्ड करते हो दोनों पे, तो गाड़ी की आवाज़ आती है, और वो आपका क्या कहते हैं लो लेटेंसी मोड ऑन हो जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा कम लेटेंसी मिलती है। तो गेम वेम में अगर आप लोग खेल रहे हो इसके पहन के, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जैसे पबजी और उन सब में। एंड साइस इसके अंदर आप डबल टैप कर सकते हो पॉज एंड प्ले करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यार। इन सभी में कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने भाई बिल्कुल ऐसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके इन सब की टेस्टिंग कर ली है, और मैं बताऊंगा कि भाई गेम के अंदर कौन सी सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं यार रियलमी के जो ये वाले डिब्बी वाले एयरपॉड्स हैं। तो गाइस, ये एयरबड्स न्यू है जो कल मैंने अनबॉक्स करे थे, एंड इसके अंदर एक चीज़ की मेरे को ज़्यादा बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि दोनों दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट करती है। जो बेसिकली जो नए वाले आ रहे हैं ये इनके नियो वाले जो 3000 रुपये के, इसके अंदर आप लोगों को टाइप सी वाला पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि जो इनके बड़ा भाई है एयरबड्स उसमें आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे इसके अंदर आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, और उसमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो मतलब 1000 रुपये के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि कट कर दी गई हैं। तो एयरबड्स नियो के अंदर यार आप लोगों को ऑप्टिकल सेंसर भी देखने को नहीं मिलता, तो मतलब अगर आप लोग इसे कान में डालते हो और अगर निकालते हो तो भाई आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे एयरबड्स जो है बिल्कुल अंधाधुन चलता ही रहेगा, चाहे बाहर निकालो चंद्र डाल दो ये वाली चीज़। तो गाइस, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आ गई है, तो हमारा लो लेटेंसी मोड ऑन हो गया है। देखो मैं चेक कर लेता हूँ यार यहाँ पे, सो यार लो लेटेंसी मोड वैसे तो उन्होंने ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और अप टू 17 आवर्स का इन्होंने बोला है कि आप लोगों को टॉक टाइम देखने को मिल जाता है, मतलब आप लोग इससे बात कर सकोगे, लेकिन को पहन के घूम सकोगे 17 घंटे, बट वो तो ऐसे बात कहने वाली होती है, लेकिन 10-11 घंटे तो आराम से मिल ही जाएगा फुल चार्ज मुझे ऐसा लगता है। कान में जो हम लगा रहे हैं तो यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं, मतलब स्नग फिट है, और मगर ऐसा तो देखो गिर नहीं रहा, तो मतलब आप जिम विम में ऐसे चौड़ सकते हो कि हाँ भाई आपके पास एप्पल वाले एयरबड्स हैं एयरपॉड्स हैं, लेकिन रियलमी वाले हैं। एंड गाइस, अगर बात करूँ इन दोनों ही लाइक एयरबड्स और एयरबड्स नियो की, तो दोनों के अंदर जो मिड्स हैं और जो बेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, बट जो हाइज होते हैं ना कोई कोई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आवाज़ आती है, मतलब हाइज जो आपके वोकल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है जैसे आपका ये एयरबड्स नियो इसके अंदर मैंने देखा कि हाइज जो है थोड़े से कभी डिस्टॉर्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं, बट दोनों के अंदर जो ड्राइवर्स लगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और दोनों के अंदर जो साउंडिंग है आप लोगों को वैसे महसूस नहीं होगी कि अजीब आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ रियलमी ने वर्क करा इनके ऊपर इनकी साउंडिंग के अंदर, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, और इनका ड्राइवर काफी ज्यादा बढ़िया लगा। तो इसलिए जो हाइज हैं वो थोड़े से मेरे को हल्के से पिची लगे, मतलब हल्का सा छोर सा ऐसा कानों में ईं से करते हैं ना तो वाली आवाज़ सी आती है, बट वैसे ओवरऑल दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। गेमिंग के अगर मामले में ले रहे हो तो मैं बोलूँगा 1000 रुपये सेव करके आप लोग ये ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी आप लोगों को लो लेटेंसी मोड तो देखने को मिल ही जाता है, तो क्यों अपना पैसा 1000 रुपये और से बचा के, मतलब जो भी 1000 रुपये पार्टी कर मोमोज खा लेना, बस मोमोज खाना ही बंद है आजकल।
तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई हमारे ये वाले, और इनका नाम मैं भूल चुका हूँ, बट आप लोगों को पता है कौन से Realme के वायरलेस बैंड वाले आते हैं जो वो हैं ये। तो इनके अंदर मैंने यार एक टेस्टिंग जब करी थी तो इसके अंदर मेरे को ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये लगी थी कि इनके अंदर आप लोगों को जो ये वाला सिस्टम मिलता ना, ये वाला मतलब इस प्राइस के अंदर जो ये वाला सिस्टम था काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। और सच में यार ये जो इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना यार वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मतलब अगर आप लोगों को एक स्पोर्ट्स बैंड चाहिए और जिसे आप लोग पहन के लाइक अपना वर्कआउट भी कर सको, एंड भाई साहब आपको परवाह नहीं पड़ती कि आपके गले में किस तरीके का दिखता है और आपको एप्पल से बिल्कुल ऐसे बेशुमार लव नहीं है, तो भाई ये वाले ले सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, मतलब ये जो है ना बाहर के जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा भाई बिल्कुल ऐसे कट कर देता है। मतलब ऐसा फील आती है हमें नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हैं, बट एक्चुअली में नहीं है ये, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्नग फील है, बिल्कुल ऐसे एयर टाइट हो जाता है जब हम लोग इसे अपने कान में पहनते हैं। और मतलब जो म्यूज़िक का साउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिच साउंड आती है। तो जैसे मैं पहले बात कर रहा था जो पिची लेवल है ना इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, मेंटेन लगता है मुझे। तो ये वाले यार मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा पसंद है, बट इसके अंदर लो लेटेंसी मोड नहीं है आप लोगों को देखने को मिलता। इसके अंदर गिरने का डर नहीं है, मतलब एक बेड के नीचे चला गया और एक भाई को कुत्ता उठा के ले गया, ऐसा कुछ सीन नहीं है। और भाई मेरे सच में मेरे साथ हुआ है, मेरे एयरपोर्ट पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे हैं, पानी वानी में गिर जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आप लोग एक बार अगर इसे कान में लगा लोगे तो आपको डर नहीं है कि भाई मेरा गले से निकल के बाहर किसी दूसरे के गले में चला जाएगा। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को, लाइक कंफर्टेबिलिटी के मामले में ये ज़्यादा मेरे को पसंद है भाई, क्योंकि मेरे को यार इनसे पसंद नहीं आते जब मैं ऐसे हल्का सा झुकता हूँ कान से लुढ़कते फिर, और मैं ऐसे भाई चोरों के साथ नीचे भटकता फिरता हूँ कि मेरा कहाँ चला गया एयरपोर्ट, तो मतलब काफ़ी अजीब सी फील आती है। बट हाँ ये जो चीज़ है ना लाइक इनका जो ओवरऑल आप लोग साउंड सुनते हो तो हाँ हल्का सा मैं बोलूँगा जो इसके बेसर और मिड्स है ना वो आप लोगों को थोड़े से वैसे नहीं मिलेंगे जैसे Realme के जो बड्स एयर लाइक एयर वालों में मिलते हैं। स्टिल जो इनका साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बट अगर आप लोग PUBG के लिए स्टैंड अलोन ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Realme के बड्स एयर नियो ले लो, और अगर नियो नहीं लेने तो आप लोग Realme बड्स एयर लो, क्योंकि यार इनके अंदर लो लेटेंसी मोड भी देखने मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा कमाल करता है। तो ये वाले PUBG के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे, 3000 रुपये के अंदर ये वाले एयरबड्स जो हैं आप लोग चमका भी पाओगे ऐसे भाई अपने दोस्तों को कि मेरे पास एयरपॉड्स है, और गेमिंग में भी आप चिकन डिनर ले पाओगे और साथ ही साथ बिल्कुल मजे ले पाओगे। और अगर आपको म्यूजिक सुनने के लिए चाहिए और ऐसे हर वर्कआउट करने के लिए चाहिए तो मेरे हिसाब से Realme के जो बड्स वायरलेस हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। और अगर आप लोगों को भाई थोड़ा 1000 रुपये ज़्यादा देने का मन है, थोड़ा ऐसे USB टाइप सी चाहिए, और अगर तुम लोगों यार बिल्कुल ऐसे भाई वायरलेस चार्जिंग का मन है ऐसे करके रखे तो भाई फिर तुम 1000 रुपये ज़्यादा दो और फिर ये बड्स एयर लो नॉर्मल वाले। मेरे हिसाब से ये वाले बिल्कुल बेस्ट रहेंगे, अगर आप लोग PUBG के ले रहे हो तो Realme बड्स एयर नियो एक बार ट्राई करो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो बस यार ये वीडियो पसंद आई यार लाइक करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूँ कल वाले वीडियो के अंदर। ओके, सो बाय।